तो यार ये वो जगह है जहाँ पे हम लोग रह रहे हैं, दिस इज द नेबरहुड। तो आप देख सकते हो इट्स वेरी नाइस। और हमारे जो बिल्कुल सामने बिल्डिंग है, दैट वॉज कंस्ट्रक्टेड इन 1890 के आसपास वो बनी हुई है। 1879 वाओ। तो यार आज हम खुद ड्राइव करके नहीं जा रहे, आज हमने ऊबर बुक किया है। रीज़न है उसका, क्योंकि जिस एरिया में हम जा रहे हैं वहाँ पे हमें लगने एक्सपेक्टेड अराउंड 6-7 घंटे हमने वहाँ पे आज स्पेंड करने हैं। और अगर हम वहाँ अपनी कार लेके जाते हैं तो वहाँ की पार्किंग वॉज अराउंड 26 पैसों पर आवर। तो आप ये सोच सकते हो कि जितनी देर रहते हो उतनी देर उतना ज़्यादा चार्ज पड़ता है, और ऊबर कंपेरेटिवली बहुत सस्ती पड़ी उससे। तो जिस जगह पे भी हम जा रहे हैं उस जगह का नाम है ज़ुकालो, लोकल लैंग्वेज का नाम है प्लाजा दे ला कॉन्स्टिट्यूशन। तो मेक्सिको सिटी में एक चीज़ तो पक्की है कि आपको ट्रैफिक बहुत ज़्यादा मिलने वाला है। तो इस एरिया में अगर आप खुद ड्राइव करते हो तो ये सोच के चलो कि ट्रैफिक बहुत ज़्यादा है, तो बेस्ट ऑप्शन ऊबर ही है। हालांकि मैंने खुद कार ले ली है, लेकिन स्टिल आई विल प्रेफर, अगर कोई और मेक्सिको सिटी आ रहा है तो प्लीज़ ऊबर लो, ऊबर इज वे टू चीप। आपको यहाँ पे ऑलमोस्ट हर जगह ग्रेफिटी जरूर मिल जाएंगी। और पहुंच गए हम ज़ुकालो में। आप यहाँ का क्राउड देखोगे, और क्राउड इतना ज़्यादा है कि भाई हद नहीं है। लेकिन सब ने हमें स्पेशली बोला कि यहाँ पे थोड़ा सेफ रहना, क्योंकि यहाँ पे पिक पॉकेट्स बहुत ज़्यादा है। तो ये जो आप मेरे पीछे देख रहे हो, ये वो जगह है जहाँ पे लोग ज़्यादातर फोटोज़ खिंचाते हैं, यहाँ का सबसे फेमस पॉइंट है। तो अभी हम भी खिंचा के हटे हैं। तो ये जो ज़ुकालो है, ये बेसिकली एक अज़्तक एम्परर था, ये उसका पैलेस है। बट अगर आप इसका आर्किटेक्चर चेक करोगे तो दिस इज़ वेरी यूरोपियन। तो यार एक बहुत अच्छा एनवायरनमेंट है, कपल्स आए हुए हैं, फैमिलीज आई हुई है, टूरिस्टी प्लेस है। मतलब दिस इज़ अ मस्ट विजिट प्लेस इफ़ यू आर कमिंग टू मेक्सिको। तो मेरे ठीक पीछे मेक्सिको का फ्लैग झूलता हुआ। तो अब हम अंदर जा रहे हैं कैसल के, देखते हैं अंदर से कैसे और आपको भी दिखाते हैं। यार अभी हम निकले हैं कैसल से, भाई साहब देखने वाली जगह, सच बता रहा हूँ। क्या पुरानी चीज़ें पड़ी और पुराने रिमेनिंग्स पड़े हैं, मतलब 1600-1700 ईस्वी के लोगों के रिमेनिंग्स, राजों के जो भी थे यहाँ के, उनके रिमेनिंग्स अभी तक पड़े हुए हैं यहाँ पे। तो इट इज़ अ मस्ट विजिट और बहुत अच्छा एक्सपीरियंस था। अब हम लोग जा रहे हैं टूवर्ड्स द मार्केट, यहाँ पे मार्केट देखते हैं, एक्सप्लोर करते हैं क्या है यहाँ पे। मेक्सिकन का कल्चर बहुत ज़्यादा वाइब्रेंट है, आप इनको हर जगह नाचते हुए, खाते हुए, पार्टी करते हुए देख सकते हो। मतलब एक्चुअल में बताता हूँ, जैसे हम पंजाबी हैं ना, खुली ज़िंदगी, वैसे इनकी खुली ज़िंदगी है। हर दिन नाचते हैं, ऐश करते हैं, यही है इनकी ज़िंदगी में भाई।
जो आप मेरे पीछे देख रहे हो ये है यहाँ पे रेस्टोरेंट्स। तो ये ऊपर से आवाज़ें मारते हैं कि आओ यार रेस्टोरेंट्स पे आओ, रूफ टॉप है, अपने मेन्यू के बारे में बताते हैं, लोगों को बुलाते हैं। तो ये वैसी कल्चर है जो आपको हर जगह देखने को मिल जाता है। आप दुनिया के जिस मर्जी जगह पे जाओ लोग सेम होते हैं यार, लोगों में कोई डिफरेंस नहीं होता। तो यार चल चल के लग गई है भूख, और सच बताऊँ तो मेरा यहाँ का खाना खाने का मन नहीं है, इसलिए मैंने मैडम से बोला है कि यार कोई इंडियन रेस्टोरेंट ढूंढो, दोबारा चलते हैं, क्योंकि कल हम गए थे इंडियन रेस्टोरेंट में, मैंने आलू के परौंठे खाए, मज़ा आ गया यार। बाहर के देश में आके ना अपना खाना खाने का स्वाद एक्चुअल में इससे ऊपर कुछ नहीं है। तो इसलिए मैडम ने अभी कोई रेस्टोरेंट ढूंढा दिल्ली दरबार के नाम से, तो बस अब वहाँ जा रहे हैं। तो जो अभी आपने थोड़ी देर पहले देखा वो थे यहाँ के एबोरिजिनल्स। एबोरिजिनल जो थे नेटिव इस कंट्री के, तो ये उनका कोई अपना डांस फॉर्म था जो कर रहे थे, और उसके बाद पता नहीं कोई धुआं सा उड़ा रहे थे सबकी बॉडी के ऊपर। भाई हर जगह के अपने चोंचले होते हैं, चोंचले भी कह सकते हो या कह सकते हो कि यार हर जगह के अपने रीति रिवाज होते हैं, तो मे बी दिस वॉज पार्ट ऑफ देयर कल्चर देयर रिलीजन। तो यार ये है यहाँ की फ्ली मार्केट, जैसे हमारे इंडिया में होती है ना वैसी सेम फ्ली मार्केट है। तो जैसे आपको चांदनी चौक में दिख सकता है दिल्ली में है ना, लोग आवाजें मार रहे हैं, सेम यहाँ पे है। और यहाँ पे भी दब के मतलब दब के भाई बार्गेनिंग होती है। आप आओ करो के बार्गेनिंग करो, अगला आपसे 20 मांगे आप 10 बोलो, तो ये चलता। आप यहाँ पे क्राउड देख सकते हो, और ट्रस्ट मी क्राउड देख के एक बार तो आप डर जाओगे कि इतना ज़्यादा क्राउड, लगेगा ही नहीं आपको कि कोविड वाली कोई चीज़ है भी है। गुन्नू आज तो जो बोल मैं देखो वो लेके देता हूँ यहाँ से, तो बोलते को क्या चाहिए? नहीं नहीं, यहाँ से जितनी शॉपिंग करनी है यहाँ से कर ले, कोई दिक्कत नहीं है मेरे को। No, I'm good, I'm happy, I'm content. भाई मतलब जो मर्जी कॉपियाँ ले लो, जैसे दिल्ली में होता ना, दिल्ली में कौन सी मार्केट है जहाँ कॉपियाँ मिलती हैं? गफार एक और भी तो है जो बादशाह अपने गानों में लिया था, सरोजनी। हाँ यार वो दिल्ली में है ना सरोजनी मार्केट, भाई सेम यहाँ पे भी नाइक रिबॉक एलवी गुची अरमानी सबकी कॉपियाँ पड़ी हुई हैं। पूरा क्राउड सड़कों पे है, गाड़ियाँ आ रही हैं जा रही हैं जैसे हमारे इंडिया में होता है लोग। एंड यहाँ खाने की तो भाई इतनी स्मेल आ रही है ना कि आपको मज़ा आ जाएगा, बट देख के खाना। जो नॉनवेज खाते हैं उनके लिए तो दिस इज़ हेवन, और जो वेज खाते हैं उनके लिए भाई बच के, क्योंकि यहाँ पे सब बहुत कुछ है जो आपको पता नहीं लगेगा। तो यार एक और इंडियन चीज़ है जो यहाँ पे बहुत ज़्यादा है, दैट इज़ हमारा बजाज पल्सर बाइक। मतलब यार मैंने इतने पल्सर यहाँ देख लिए ना भाई, बड़ी सही सी फीलिंग आती है जब आपको आके इंडियन वाली चीज़ें दिखती है ना यहाँ पे। मैक्सिको दे विच आके असी आ गए हैं सीधा दिल्ली, दिल्ली दरबार। चलो मतलब जो फीलिंग इतने आगे आई है ना पूरे मैक्सिको ट्रिप च नहीं आई हले तक। तो असी आ गया हंसराज भाई के नाल, मतलब मज़ा आ गया भाजी इतने तुम देख के यार। भाजी पिंड मेरा गया करतारपुर जिला जलंधर। क्या बात है करतारपुर तो नहीं भाजी? हाँ जी बहुत बहुत मेहरबानी ढड़ी ढंडा मुलाकात की बहुत बहुत। भाजी कितने साल हो गए इतने? भाजी मैंने इतने एक महीना इतने होया। अच्छा एक महीना होया हले आए? एक महीना तो होया। ओके तो कितना लगे तुम्हें मैक्सिको? मैक्सिको बहुत सोना, मैक्सिको बहुत सोना लग गया एकदम भाई फाइन। क्या बात है क्या बात है। आज की खवाओगे सानू? आज जो मर्जी खवाओगे, जो मर्जी खाओ। चलो जी फिर असं इतने खाने तो भी दिखाने कि मिले सानू मैक्सिको के खाने।
इंडिया। यार इतनी एक्साइटमेंट हो रही है ना मेरे को यहाँ पे आके, और मेरे मुंह में तो पानी आ रहा है कि भाई अब दब के इंडियन खाना खाने को मिलेगा, दाल मखनी, पनीर, परौंठे, है ना। तो मैडम के लिए भी मंगाया, खुद के लिए भी मंगाया, और मैं भी अंकल से पूछने जा रहा हूँ, अंकल कह रहे थे शायद यहाँ पे लस्सी भी मिलेगी, खाएंगे, खिलाएंगे, दिखाएंगे। ज़्यादा यार अपना देसी खाना खाने मिल जाए इस तो बद की खुशी की है। दाल मखनी तो मैडम जी नॉन वेज चिकन, बटर चिकन लग रहे मतलब, क्या बात है, नाल रोटियाँ, चक्को भी नहीं आ रहा। आज जो मेरे साथ हुआ ना, ये सुन के आपके चेहरे पे भी स्माइल ज़रूर आ जाएगी। तो जैसे मैंने आपको भी थोड़ी देर पहले दिखाया था कि हम रेस्टोरेंट में गए थे दिल्ली दरबार, तो वहाँ पे एक हमें अंकल मिले जो ओनर थे वहाँ के, एंड 29 ईयर्स से वो मेक्सिको में है। इतने प्यार से अंकल ने हमें खाना खिलाया, मतलब कि इतनी केयर, कोई जैसे कोई पर्सनल हमें पता नहीं कब से जानते हैं। इतनी देर हमने बातें की, इंटरव्यू नहीं ले पाए, इंटरव्यू अंकल ने कहा मंडे को आके लेना, अंकल आज थोड़ा बिजी थे। लेकिन यार यही होती है ना अपनी देशभक्ति वाली बात, इंडियन होने की बात, कि अंकल ने पैसे नहीं लिए। मैं और गुनीत हम अंकल को फोर्स करते रह गए, यार प्लीज़ ले लो, प्लीज़ ले लो, हमने पूरा जोर लगा दिया, एंड तक जोर लगा दिया, लेकिन अंकल नहीं माने, कहते मैंने लेने ही नहीं। पैसे से भी बड़ी चीज़ होती है यार इंसानियत की और अपनेपन की, आज वो देखी मैंने। अंकल ने इतने प्यार से खिलाया, और सबसे बड़ी चीज़ है अंकल ने पैक करके भी दिया हमें कि यार तुम जाओगे, और ख़ुद बनाया। हाँ सबसे बड़ी चीज़ है अंकल ने खुद बनाया, सारा का सारा खाना खुद बनाया, और उन्होंने पैक करके भी दिया कि तुम जाओ जहाँ पे जाओगे अपना आराम से, जिस रूम में तुम रह रहे हो, जहाँ तुमने अपना एयरबीएनबी भी लिया, तो वहाँ जाओ आराम से अपना खाओ। यार अभी 3 घंटे पहले आए थे तो बंदे पे बंदा चढ़ा हुआ था, इतना रश था। लेकिन अब क्योंकि मेक्सिको में क्या होता है कि 5-6 बजे के बाद मार्केट्स बंद होनी शुरू हो जाती हैं, मोस्ट ऑफ द मार्केट्स बंद हो जाती हैं, अब खाली खाली सा लग रहा है। ये देखो तो शाम को कुछ ऐसा सा नज़ारा होता है यहाँ पे, फ्लैग अभी ये नीचे उतर चुका है, लोग अभी पूरा एंजॉय कर रहे हैं, पतंगे हर जगह उड़ रही हैं। गुन्नू फिर तेरे एक्सपीरियंस कैसा रहा आज का बता? आज का अच्छा था, बेटर देन यस्टरडे। सो यार कल हम सारे डर गए थे, हम दोनों बहुत ज़्यादा डर गए थे, क्योंकि लोगों ने हमें इतना डराया हुआ था कि भाई गाड़ी में से सामान चोरी कर लेते हैं, यहाँ जाओगे कोई गन दिखा देता है, कोई किडनैप कर लेता है। तो आज ने कहा कि यार गाड़ी ले ली कोई दिक्कत नहीं है, जो वैसे लग गए उसको ख़त्म करो। आप जो मैंने एक्साइटेड नहीं होया पतंग उड़ाते हैं जिन्हें मैक्सिको च हो रहे हैं। तो यार अब ये बच्चा मेरे को सेटअप करके दे रहा कि ये कैसे उड़ाना, इनको पता।